हरियाणा की तहसीलों में 7A रजिस्ट्री के तहत उठा बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आज और कल दो दिन के लिए पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन पूरे हरियाणा में धरने पर बैठ गई है। पानीपत वालों का यह धरना है। अरविंद जी, आप यहाँ के प्रधान हैं, उप मुख्यमंत्री जो डिपार्टमेंट के इंचार्ज भी है, रेवेन्यू मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि अगर किसी ने गलत नहीं किया तो वो लिख कर दे दें, डरने की क्या जरूरत है? सर, हमने भी कल ये बयान सुना है अपने मीडिया के माध्यम से। हम एक बात कहते हैं कि भाई लिख कर दें, फिर हमारे नाम किस लिए अखबार में समाचार पत्रों के माध्यम से आए हुए हैं? बिना किसी जांच के किसी को दोषी ठहराना ये कहां तक उचित है? हम यही कहना चाहते हैं कि भाई वो कहते जांच करवाए बिना सेक्शन 7 में चार्जशीट करना, ये कहीं का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको जैसे बड़ी मछलियों को छोड़ने के लिए छोटी मछलियों को जाल में फंसाया जा रहा है, ऐसी भी है? सर, इस बारे में हम नहीं कह सकते क्योंकि जब तक हमारे को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई। 7A की रजिस्ट्रियां सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा की जाती है और उसके अंदर पटवारियों का कहीं भी कोई लेना देना नहीं होता। अब ये किस उससे अधिकारियों ने या किससे किया हम जानते नहीं, क्योंकि हमारे को अभी तक किसी ने कोई नोटिस तक भी नहीं दिया है। अब ये उप मुख्यमंत्री जी, हमारे अफसर महोदय भी कहते हैं कि जांच के अंदर नाम लिए किसे? जब जांच ही हो गई फिर कह रहे जांच कराएंगे। भाई जांच कौन से, मतलब दोनों बातें चल रही हैं। जांच कराएंगे, जांच की गई नहीं की गई जब हमें पता ही नहीं है। हम तो एक बात कहते हैं कि हमारी जो छवि है उसको क्यों बिगाड़ा जा रहा है? आपके अलावा दूसरे लोग भी होते हैं, जब कोई रजिस्ट्री पूरी तरह से मुकम्मल होती है तो उनका भी रोल होता है। क्या आप मानते हो कि दोष उनका है? आप बिल्कुल, आपका कोई दोष नहीं, आपका लेने देना नहीं, जैसा आप पीछे कह भी रहे थे। ऐसा है, हम ये नहीं कहते कि किसी का दोष है किसी का नहीं, वो तो जब इंक्वायरी होगी तो पता लग जाएगा। हम ये नहीं कहते कि हमारा दोष है या उनका दोष है, हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो मेन मुद्दा है 7A की रजिस्ट्रियाँ, ठीक है। दूसरी बात, रजिस्ट्रियों के अंदर पटवारियों का आज तक कभी भी कोई काम नहीं है। दूसरी बात, जो इसके अंदर लिखा गया लेटर के अंदर नेचर ऑफ लैंड, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा नेचर ऑफ लैंड क्या होता है। किस्म बदलना और किस्म क्या है वो काम करना पटवारी की ड्यूटी है, वो उनके कर्तव्यों के अंदर है। आपने एक किला लिया, उसके अंदर आपने गेहूं लगा रखी है। मैं फरवरी में गिरदौरी करने के लिए गया, मैंने उसको गिरदौरी में गेहूं चढ़ा दिया। आपने अगस्त में उस किले को बेच दिया, बेचने के बाद वहां पे फैक्ट्री लग दी। अब मैं सितंबर में जब गिरदौरी करने के लिए जाऊंगा तो मैं वहां पे क्या मुमकिन फैक्ट्री लिखूंगा? ये नेचर ऑफ लैंड है। जो आदमी जमीनी मामलों को, रेवेन्यू के मसलों को जानते हैं, बहुत सारे लोग इसी तहसील के आसपास के, वो लोग ये भी कह रहे हैं जो अवैध कॉलोनियां हैं, जो इलीगल कॉलोनीज बसी हैं, उसमें पटवारियों का भी, पटवारियों ने बहुत गड़बड़ियां कर रखी हैं। ये उनका कहना है जो जमीनी के मसलों को समझते हैं। जहां तक अवैध कॉलोनियों का संबंध है, अवैध कॉलोनी कौन काटता है? कॉलोनाइजर काटता है। कोई भी कॉलोनाइजर है या जो जमीन बेचने वाला है वो अवैध कॉलोनियां काटता है। अवैध कॉलोनियों के अंदर पटवारियों का क्या लेना देना है उसके अंदर? दूसरी बात, जब एक अवैध कॉलोनी काट दी, उनका ये कहना है कॉलोनी कटने लायक हो इसलिए जमीन को इधर उधर किया। नहीं सर, ऐसा है, ये एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया, इसी को समझ नहीं रहे हैं। जो रेवेन्यू की और हमारी पटवारी की भाषा है, इतनी जल्दी अगर किसी को समझ में आ जाए तो हमारी 1.5 साल की ट्रेनिंग ना करी जाती। हम 1.5 साल की ट्रेनिंग करके इसीलिए आते हैं कि आम आदमी को इस बात की समझ नहीं होती, और उस आम आदमी की बात समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे अभी हमारे सुधांशु जी ने बताया कि हमारे साल के अंदर एक प्रक्रिया, आज से नहीं है, बहुत साल पहले से चली आ रही है जब से पटवार बनी हुई है, कि भाई साल के अंदर फसल खरीफ और रबी की दो गिरदावरियाँ होती हैं। और एग्जाम्पल भी दिया है कि भाई आज एक फसल के अंदर, उसके अंदर गेहूं है, अगली फसल आने तक वो जमीन किसी के पास चली गई, उसने उसमें मकान बना लिया या फैक्ट्री लगा ली, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, गिरदौरी करते हुए उसको चेंज करना पड़ेगा। नहीं सर, हम सरकार की मंशा तो जो है वो तो क्लियर हो ही गई है, हमें तो मेन चक्कर ये है कि जो हमारी इमेज को खराब किया गया। हरियाणा की तहसीलों में 7A रजिस्ट्रियों के मामले में सरकार भले ही अपने तौर पर जो कुछ है ठीक समझ रही है कर रही है, लेकिन पटवारी साहिबान का ये कहना है कि बद अच्छा बदनाम बुरा, इनका नाम बदनाम है इसलिए इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। फिलहाल दो दिन का इनका धरना प्रदर्शन पूरे हरियाणा में है, इसके बाद सरकार के रवैये को देखते हुए अपनी रणनीति बनाएंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।